गॉड, तुमने मेरे लिए कुछ लिखा है? ऐसी बस रात में जाग रहा था तो थोड़ी फीलिंग आ गई, तो बस ऐसी दो चार लाइनें लिख दिया। सो दोस्तों, अगर आप सभी को फेजू जन्नत के फैन हो तो दोस्तों आप सभी के लिए ये वाली न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं फेजू और जन्नत के तीन नए इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को फेजू भाई के बारे में बता दूँ। फेजू भाई और उर्वशी रेतुला का एक न्यू वीडियो आया है जो कि जे फ्लिक्स के ही प्रमोशन के बारे में। अगर आप लोग को डिटेल में जे फ्लिक्स के बारे में जानना है तो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया, आप लोग जाके देख सकते हो। तो उस पिछली वीडियो में एम्पायर सीजन एक्टर और उर्वशी रेतुला के साथ आया था, लेकिन अब की बार सिर्फ फेजू और उर्वशी के साथ आया है, जो कि एक छोटा सा रोमांटिक वीडियो टाइप का है। तो आप लोग पहले वाली वीडियो को देख लो। अरे क्या लिख रहे हो, बताओ ना। कुछ नहीं, बस ऐसी। अरे ऐसे कैसे, बताओ। सीरियसली यार, कुछ नहीं, बस ऐसी थोड़ा बहुत। माय गॉड, तुमने मेरे लिए कुछ लिखा है? ऐसी बस रात में जाग रहा था तो थोड़ी फीलिंग आ गई, तो बस ऐसी दो चार लाइनें लिख दिया। प्लीज सुनाओ ना, प्लीज। ना ले मुझे बंदा, बंदा बंदा बंदा, बन सकता हूँ बंदा। एक मिनट, ये तो डॉजा कैट का वुमन है। नहीं, ये ओरिजिनल है, मेरा लिखा हुआ है। सीरियसली, आई कैन बी योर वुमन, वुमन वुमन वुमन, आई कैन बी योर वुमन, वुमन वुमन वुमन। अरे एक सेकंड, कहाँ चले गए तुम, वापस आओ। अगर ओरिजिनलिटी कहीं मिलती है तो वो है जे फ्लिक्स पे। आप भी अपनी ओरिजिनल म्यूजिकल फिल्म अपलोड कराना भूले जे फ्लिक्स पे, और हाँ, अपनी फेवरेट फिल्म को वोट कराना भूले। जे फ्लिक्स, क्या सीन है। तो आप लोगों ने देखा, जो कि एक रोमांटिक और कॉमेडी टाइप की वीडियो थी। और अब दोस्तों, वहीं मैं आप लोगों को दूसरी अपडेट के बारे में बता दूं, तो आप सभी को बता दूं कि फेजू और जन्नत, इन दोनों ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पे। और वो माइलस्टोन ये है कि फेजू भाई ने अपने इंस्टाग्राम पे 24 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और वहीं जन्नत जुबेर ने भी अपने इंस्टाग्राम पे 36 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट कर चुका है। तो जन्नत जुबेर को भी ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो जाओ कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो। वहीं दूसरा अपडेट निकल के आता है फेजू और जन्नत की तरफ से, क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे को ऐसे पर्सनली बहुत सारे DM आ रहे कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या है, क्या फेजू और जन्नत के बीच में लड़ाई वड़ाई हुआ है। तो आप सभी को बता दूं, ऐसा इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग अभी नहीं मिल रहे, और पता नहीं ये लोग क्यों नहीं मिल रहे। वैसे इनके बहुत सारे सॉन्ग है जो कि अभी रुके हुए भी है, वो सब सॉन्ग भी आने वाले। मैं सोच रहा हूँ इनके सॉन्ग के बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। इनके जितने भी सॉन्ग वीडियो रुके हुए हैं, फेजू के हो या जन्नत के हो, सभी मैं आप लोग को कवर करके बता दूंगा कि इनके कौन कौन से सॉन्ग आने वाले, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और लड़ाई की बात रही तो इनके बीच में अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। बाकी का वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यहाँ पे फेजू जन्नत से ही अपडेट आते रहते। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आप सभी को काफ़ी अपडेट देते रहता हूँ। बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।